नमस्कार, मैं टिकम शर्मा और आप देख रहे भारत मित्र लाइव। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। वीरभूम कांड में होगी सीबीआई जांच, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। वीरभूम जिले के रामपुर हाट के एक गांव में मिले 6 बैरल बम। वीरभूम में हिंसाग्रस्त इलाके की जांच के लिए पहुंची सीबीआई की फॉरेंसिक टीम। राज्य में अवैध हथियारों और बमों की जब्ती के लिए 10 दिनों तक अभियान चलाएगी पुलिस। वीरभूम हिंसा की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। वीरभूम हिंसा मामले पर सीएम ममता बनर्जी पर विपक्ष का हमला, बंगाल सरकार पर लगाया तथ्यों को छिपाने का आरोप। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए। यूपी में 20 से ज्यादा पुराने मंत्रियों की होगी छुट्टी, केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना तय। चीनी विदेश मंत्री वांग यांग ने समकक्ष एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, बोले ओवैसी की वजह से शपथ ले रहे हैं योगी। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 19 मार्च से होगा शुरू, 3 दिनों तक चलेगा सत्र। रूस पर यूएस ने लगाए और कड़े प्रतिबंध, रक्षा कंपनियों को किया बैन। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का एलईडी स्क्रीन पर होगा सीधा प्रसारण। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1685 नए मामले सामने आए, वहीं 83 लोगों ने गवाई जान। काशी में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 29 मार्च से रोज होगी सुनवाई। श्रीलंका में आर्थिक संकट, तमिलनाडु की ओर पलायन कर रहे मजबूर लोग। यूपी में 418,507 परीक्षार्थियों ने छोड़ा बोर्ड परीक्षा। जयंत चौधरी बोले शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, मिलता तो भी नहीं जाता। पेट्रोल डीजल के रेट में फिर हुआ 80 पैसे का इजाफा। बाइडेन की चीन को चेतावनी, यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा। यूक्रेन की सेना का दावा, 9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। रूस सेना के हमले में कीव में अब तक 75 नागरिकों की हो चुकी है मौत, 307 जख्मी। डीयू में दाखिले के लिए खत्म होगी कट ऑफ की दौर, अब सीयू सेट के जरिए होगा एडमिशन। कल से आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज, शाम 7:30 बजे कोलकाता और चेन्नई के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। अब तक के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।